हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। क्या आप पोको F6 की स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो रुक जाइए, इसके कुछ बैड क्वालिटी और कमियों के बारे में जरूर जान लीजिए, जिसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नए जानते हैं। यदि पहले बैड क्वालिटी और कमी की बात की जाए, तो इस स्मार्टफोन में बहुत सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है। सेक्शन में डिवाइड किया गया है ब्लॉटवेयर को, इतने सारे ब्लॉटवेयर है जिसका कोई हद नहीं है। जब इसको मैं काउंट करने गया तो इसमें आपको लगभग 80+ ब्लॉटवेयर देखने को मिला है। बताइए, क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 80+ आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, जो आपके मेमोरी को, रैम को और प्रोसेसर को यूटिलाइज करते हैं और मोबाइल को स्लो कर देते हैं। सही पकड़े हैं। नेक्स्ट कमी की बात की जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उसमें जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है और इसका जो बैक है वो भी पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। नेक्स्ट, यदि इस स्मार्टफोन को आप गेमिंग के लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो हाई सेटिंग में आपको गेम देखने को मिल जाता है, फ्रेम भी इसमें अच्छे देखने को मिलता है। इसके अलावा सारे AI के फीचर भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक इस स्मार्टफोन को गेम खेलते हैं तो ये हीट हो जाता है। बट इसमें कूलिंग सिस्टम देने के कारण ये जितने जल्दी हीट होता है ना, एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। इसके अलावा इसमें छोटी मोटी और भी कमियां हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, FM रेडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और ना ही आपको 3.5 mm जॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इस स्मार्टफोन के कुछ बैड क्वालिटी और कमियों के बारे में। आपको कैसे लगे? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।